लोग साथ में मिलके इब्राहिमपुर में अभी वहाँ सांसद बोल रहा था कि हमको वोट ही नहीं मिले। अब क्या तुमको वीडियो कॉलिंग करके दिखाए कि वोट दिया या नहीं दिया? हमने दिया। यही ब्रिजमोहन शर्मा बोले, वो बोले कि हमको वोट ही नहीं मिले इब्राहिमपुर से। अब क्या वीडियो बना, जहाँ से वोट नहीं मिलेगा वहाँ की सड़क, वहाँ सरकार, वहाँ क्या भैया, हम बता तो रहे, ये रोड देख लो आप, क्या क्या हैसियत है इसकी। नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अखिलेश पाठक। चुनाव ख़त्म हो गए हैं, इस वक्त मैं लखनऊ के नीलमथा में हूँ और नीलमथा ये कैंट क्षेत्र है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कैंट क्षेत्र की तो यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के अंतर पर विधानसभा है, उत्तर प्रदेश सचिवालय है। अगर मैं अपने दाहिने तरफ बात करूँ तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लुलु मॉल है, मेदांता है, मतलब हाई प्रोफाइल जो जगह है इस शहर की वो अगल बगल ही है। लेकिन आप कैमरे में तस्वीर देख सकते हैं कि ये नीलमथा कैंट क्षेत्र का ये हाल ये आपको दिखाई देगा। ये चौराहा है, यूं कह ले तिराहा है, तीन रोड चलती है, लेकिन यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को इस कदर दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। आप देखिए, तस्वीर देखिए, सबसे पहले गाड़ी आ रही है, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन उसके पहले यहाँ पानी का भराव, बगल में नाली है और नाले से पानी खासी नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो यहाँ से जीतता है पार्षद, उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शायद उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। लोग जो यहाँ की जनता है, जो वोट करती है नाली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, वो परेशान है। उनका कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पर पानी का भराव होता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ पे कुछ जो आम लोग हैं, कहाँ यहीं पे रहते हैं क्या आप? हाँ सर, यहीं बगल में रहता हूँ। आते जाते हैं बराबर? हाँ सर। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? सर हो गया 3-4 महीने हो गया। 3-4 महीने हो गए। हाँ सर, मेरा आगे थोड़ा घर है। हाँ, और इधर से आना पानी का भराव है, कम से कम ये हो गए हैं 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं है। तो ये 6 महीने से ऐसे पानी भरा हुआ है जी। तो यहाँ के जो पार्षद है कभी आते? कभी वो कुछ नहीं, झांकने तक नहीं आते। पड़ता है कि आप लखनऊ शहर में रहते हो? बिल्कुल मालूम पड़ता है, लेकिन इतना गंदा इलाका कर दिया है इस समय, ये रोड पूरी देखिए जाके, कुछ नहीं बना हुआ है यहाँ। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब ये पार्षद जाने वजह क्या, हमें तो डर लगता है कभी कभी, ये ट्रांसफार्मर बगल में, आप देखिए जरा ट्रांसफार्मर बगल में, कभी अगर इसमें लाइन उतराई, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ हादसा बड़ा हो सकता है कि नहीं? अच्छा। हो सकता है, आप लोग खुद ही देखिए, कुछ तो विभाग, कुछ तो देखिए, शिकायत हुई है किसकी? एप्लीकेशन वगैरह गई हैं कुछ। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आपने पार्षद से कभी बोला, जो कि क्योंकि आप अपना जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो पार्षद को चुनते हैं, पार्षद को कभी बोला इसके लिए? पार्षद को यहाँ एप्लीकेशन दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अंकल यहीं पर कर रहे हैं जी? जी। होती है? बहुत दिक्कत होती है। पार्षद को हमने 2-4 बार फोन किया है। फोन किया? बिल्कुल किया है, कुछ रिजल्ट नहीं निकला उसका। रिजल्ट नहीं निकला तो सुनता ही नहीं है पार्षद, सुनता ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी है, आप आगे कर लीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए पूरा किस तरीके से गाड़ी है। यहाँ पर गड्ढा भरा हुआ है, जमाव रहता है और लोग कितने यहाँ पे दिक्कत झेल करके आते हैं। ये चौराहा है, चलती फिरती रोड है, हमेशा चलती है, 24 घंटे चलती है, लेकिन क्या कह रहे हो ये समस्या कभी दूर नहीं होगी? क्यों? सरकार जाए किसी की बन जाए, सरकार अपना मोर्च खाली लेने के लिए है। क्यों भैया? बस अपना पेट भरने के लिए, दूसरे का थोड़ी ना देखने के लिए है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस दुनिया में। पार्षद जी अपना घर देखेंगे, दूसरे का रोड देखेंगे? आप देख लीजिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं और इसमें गड्ढा है, इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा है, लोग बचते बचते आ रहे हैं कि खतरा भी लोगों को होता है। ये जिम्मेदारी पार्षद की होती है, लेकिन पार्षद क्यों इसे नहीं बनवा रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों की, क्यों भैया आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ बोला जी। तो ये जो समस्या है ये लगभग कितने दिनों से है? ये लगभग हो गया 1.5 से 2 महीने के ऊपर हो गया। पहले तो ये बताइए कि इस जगह का नाम क्या है, ये कौन सा एरिया लगता है? ये नीलमथा से अपना तेलीबाग का एक मात्र यही एक साधन, यही एक एरिया है, रोड है, यहीं से ही होकर के नीलमथा से जाते। हाँ, नीलमथा से और तेलीबाग शाहनूर कई कॉलोनियों के सिंगल यही रोड जोड़ता है। अच्छा। हाँ, इसकी ये व्यवस्था एक वाले मरम्मत हम करवा चुके थे, पूरी पाइप डलवाए। अच्छा, आपने करवाया? हाँ, सिर्फ सिंगल। जिम्मेदारी यहाँ पे जनप्रतिनिधि की होती है, वो कोई सुनने नहीं आता है, उससे आप कुछ भी कहिए उनसे कोई मतलब नहीं होता। उनको
हाउस टैक्स होता है तो वो आके पर्ची चिपका के चले जाएंगे कि आपका इतना हाउस टैक्स बकाया है। अच्छा। और लेकिन उनसे इस समस्या के लिए कोई मतलब नहीं होता। ऑनलाइन मैंने कम से कम नहीं तो पांच बार इसमें कंप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा। ऑनलाइन भी कंप्लेन किया। पार्षद कौन है, नाम जानते हैं आप उनका? शर्मा जी हैं, बृजमोहन शर्मा जी। उनसे कोई मतलब नहीं है। हाउस टैक्स हमारा हर साल का जा रहा है। अच्छा। अभी कुछ माह पहले, छः महीना पहले हाउस टैक्स रिन्यूअल कराना था, उसका बिल दिए। हाँ। 1,25,000 रुपये इकट्ठा जमा किया मैं जाके। एक जो छोटी छोटी समस्या होती है कि पार्षद चुना जाता है हमारी नाली की व्यवस्था के लिए, रोडों की व्यवस्था, मतलब नहीं है वो उनसे कोई मतलब नहीं है कि इन सब चीज़ों को देखना है कि नहीं देखना है, वो कभी नहीं देखते हैं, कभी नहीं। क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ सा तो पूरा पानी भरा रहता है, इतना कि रोज गाड़ियाँ रोज लड़ती हैं। यहीं पर है बस, यही तो घर है मेरा, बगल में ही। ये छोड़ के देखिए कैसा भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक आप देखिए, आगे तक जाइए। अच्छा, इसके लिए आपने पार्षद वगैरह को बोला? बोला गया, एप्लीकेशन दी गई, यहाँ से ऊपर तक एप्लीकेशन गई है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ। इकट्ठा होकर के आप लोग पार्षद को एप्लीकेशन दो, पार्षद नहीं मान रहा है आप, एप्लीकेशन साइन कर के सब हाउस टैक्स देते हैं जी, तो नगर निगम में भी तो जा सकते। गया है सब करके किया गया, सरकार तो बोल रही है हो जाए, कुछ नहीं हो गया है, कुछ नहीं। देखिए ना, आप देख तो रहे हैं, देखिए आप, देखिए कितनी समस्या, रोज गाड़ियाँ लड़ती है जगह। अच्छा। गिरती पड़ती और क्या, रोज गिरती पड़ती रहती रोज। कितने दिन से है ये दिक्कत? अरे काफी दिन से है ये। क्यों भैया, कितने दिन से है लगभग ये? काफी समय हो गया, लगभग 2 से 3 माह के ऊपर हो गया, इलेक्शन से पहले था। हाँ, उसके बाद कभी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए जब बारिश होती गड्ढे भर जाते हैं, आदमी चलने की मुश्किल होता है। ये देखिए, वो देखिए, वहाँ तक देखिए, जाके वहाँ तक का वो देखिए, वो वहाँ तक पानी जाता है। क्या इसमें नगर निगम कुछ नहीं करती है, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार है। हाउस टैक्स चाहिए बस, हाउस टैक्स लेने के लिए देखिए रोज फोटो खींच के खड़े, आज इतना एक टैक्स दीजिए आप। अच्छा, नहीं देंगे आप लोग? जब हाउस टैक्स लेने आए तो आप लोग बोलो पहले सड़क बनवाओ फिर हाउस। वो कुछ नहीं कहें, ठीक है बन, उनसे कोई कहते हमसे कोई मतलब नहीं इसके लिए। अच्छा, उनको कोई नहीं, नहीं नहीं, वो कहते वो है क्या बोलते उसको, यू आंटी आपका भी घर यहीं पर है? हाँ, रोड तो यही है, यही है रहता, यही रोड है। तो बहुत दिक्कत होती होगी ना, ये पानी भरा था। क्यों आंटी? हाँ जी, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। देखिए आप ही, ये रोड ऐसी है, दिक्कत तो है ही बेटा। हाउस टैक्स देती है लेकिन बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा, हाउस टैक्स देते हैं। यहाँ सा तक जब आदमी बारिश होती तो निकलना मुश्किल है। मैं बोलूंगा कि आप दिखाइए किस तरीके से, देखिए आधे आधा चक्का गाड़ियों का धस्ता चला जाता है। गड्ढा मुक्त सरकार की बात होती है लेकिन ये हकीकत जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद हमको ये हकीकत दिखाई देती है कि किस तरीके से जो आम जनमानस है जो लगातार वोट करते हैं, जो अपने छोटे पंचायत की बात कर लो, जो पार्षद बनाते हैं और उसके बाद वही पार्षद उनकी सुद लेने उन जनता के बीच में कभी नहीं आती। इन लोग का कहना है कि करीब 6 महीने से साल भर से ये पानी का गड्ढा भरा हुआ है और ये लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखो परेशानी हो रही कितना, जाम लग जाता है सब, इतनी गंदगी कर दिया सब। अब तो ये तो गर्मी में हाल है, बारिश में तो और गड्ढा, बारिश में तो यहाँ पानी इतना भर जाता है देखो कितने, बहुत परेशान हो जाता है। आप सोचिए कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें लखनऊ की है, लखनऊ शहर की है, लखनऊ कैंट क्षेत्र की है। तेलीबाग बहुत चर्चित जगह है, नीलमथा कैंट है, वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्यों भैया, कहाँ घर है? भैया यहीं पे घर है हमारा, अभी अभी हम लोग उस दिन गए थे सब लोग साथ में मिलके इब्राहिमपुर में। हाँ। अभी वहाँ सांसद बोल रहा था कि हमको वोट ही नहीं मिले, अब क्या तुमको वीडियो कॉलिंग करके दिखाएं कि वोट दिया या नहीं दिया? हमने दिया, यही बृजमोहन शर्मा क्या बोले? वो बोले कि हमको वोट ही नहीं मिले इब्राहिमपुर से, अब क्या वीडियो बना? जहाँ से वोट नहीं मिलेगा वहाँ की सड़क, वहाँ सरकार, वहाँ क्या भैया, हम बता तो रहे, ये रोड देख लो आप, क्या हैसियत है इसकी रोड की, कम से कम 10 साल से नहीं बनी ये रोड। अब हम लोग को आने जाने में प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? आगे अब 100 फीट की रोड है मात्र, 100 फीट की, इंटरलॉकिंग करवाना है सिर्फ। क्या बोले कि वोट ही नहीं मिला हमको। अच्छा। हाँ, और तलैया वहाँ पे कोई साफ सफाई, कोई झाड़ू पोछा करने ही नहीं आता, कुछ भी। यहीं बगल में भैया आगे जाके जाइए, अब देखिए
कोई बगल में कोई झाड़ू पोछा पहले तो फिर भी कुछ भी होता था, है कोई झाड़ू ना पोछा लगाते हम लोग, झाड़ू यहाँ नहीं लगते हम लोग, लगा के कूड़ा अपने आप हटाते हैं यहाँ सड़क पर। और क्या, अपने दर्जे अपने अपने दर्जे की। नगर निगम का सफाई कर्मचारी नहीं, नहीं कभी, हफ्ता दो हफ्ता में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। अच्छा, सब ऐसे फिर तो ये तस्वीर है लखनऊ की, नीलमथा की, जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश है कि ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ये भरा हुआ है, इसमें आवागमन के लिए किनारे से लोग चले जाते हैं, लेकिन रात में लोगों का कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, आते हैं गिर जाते हैं, फिर भी यहाँ पर पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ऐसी खबरें देखने के लिए द दस्तक 24 को फॉलो कीजिए, द दस्तक 24 का साथ दीजिए। देखते रहिए TD24।